अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो आप टेलीग्राम में जरूर किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़े रहते हुए, चाहे वो ग्रुप जो है स्टडी ग्रुप हो सकता है, या बिजनेस ग्रुप हो सकता है, या फिर चैनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जहां पर आप उस ग्रुप के द्वारा, उस एडमिन के द्वारा आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कराई जाती है। वो मटेरियल जो था इमेजेस फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, किसी का लिंक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और जब आप उस इमेजेस वीडियोज या किसी फाइल को आप डाउनलोड करने की कोशिश करते होगे तो वहां पर आपको जो था पेंडिंग शो करता है। पेंडिंग बोले तो राउंड राउंड घूरते रहता है, और ये तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आपका दिमाग नहीं घूर जाए, कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी देते हो और इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करने की कोशिश करते होगे, ये ओपन ही नहीं होता, ये फ्रीज हो जाता है, ये स्ट्रक हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को डील करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि टेलीग्राम में जो भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो कि पेंडिंग शो कर रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स जो कि ओपन नहीं हो रहा, वो स्ट्रक हो चुका, वो फ्रीज हो चुका, उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बना लिया हूँ, आप हमें प्लीज वहाँ जाकर सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका भाई हर समय कुछ नया लेवल कर सके, आपके लिए कुछ नया ला सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च करना है टेलीग्राम, और आपको इस एप्स को अपडेट कर लेना, अगर अपडेट नहीं रहे तो आप लोग कि भाई आप भी तो वही स्टेप्स हमसे फॉलो करवा रहे हो जो कि बाकी सब यूट्यूबर्स अपने वीडियो में बता रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ तो सब्र करो, मैं इस वीडियो में वही स्टेप्स को डील करवाऊंगा जो कि टेलीग्राम इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट को ओपन करने में आपको पेंडिंग फील होता है, या फिर वो डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करवाऊंगा। पहला, आपको टेलीग्राम को अपडेट कर लेना है। दूसरा, आपको टेलीग्राम में कुछ बेसिक सा सेटिंग्स करना है। तीसरा, आपको हमारे वीडियो के कमेंट में जाकर पिन करना है कि क्या यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा या नहीं रहा। इस एप्स को अपडेट कर लेने के बाद आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आना है, और इतना कर लेने के बाद आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कर लेना है, जहां पर आपको टॉप लेफ्ट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल बार देखने को मिल जाता है, और आपको उस पर टैप करना है, जहां पे आपको सेटिंग्स करके एक ऑप्शन होगा, और आपको उस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पे आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, और आपको आना सेटिंग्स वाले कॉलम में, जहां पर आपको डाटा एंड स्टोरेज करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, और वहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, एंड व्हेन रोमिंग। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, जहाँ पर आपको डाटा यूजेज वाले सेक्शन में कस्टम पर सिलेक्टेड होगा, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हाई, और आपको इतना करने के बाद बैक हो जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको जाना है व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, यहाँ पर आपको डाटा यूजेज वाले सेक्शन में सिलेक्टेड होगा मीडियम, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हाई, और इतना करने के बाद आपको अगेन बैक हो जाना है। उसके बाद आपको जाना है व्हेन रोमिंग में, और यहाँ पर आपको डाटा यूजेज में सिलेक्टेड होगा लो, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हाई। इट मीन्स घुमा फिरा के कहो तो आपको सभी में हाई ही सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड वाले सेक्शन के जस्ट ऊपर डिस्क एंड नेटवर्क यूजेज करके एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको जाना है स्टोरेज यूजेज, और आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है, जहां पर आपको मैक्सिमम कैच साइज करके एक स्केल देखने को मिल जाता है, और आपको इस स्केल को एक्सटेंड करके नो लिमिट पर सिलेक्ट कर लेना है, और इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करके अप हो जाना है, और यहां पर आपको क्लियर कैच करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और आपको क्लियर कैच कर देना है। इतना करने के बाद आपको टॉप राइट साइड में 3 डॉट देखने को मिल जाता है, और आपको उस डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लियर लोकल डेटाबेस करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लियर कर देना। उतना करने के बाद जब आप इतने स्टेप्स को प्रॉपरली रूप फॉलो कर लेते हो तो आपको इस एप्स को क्लोज करके अगेन ओपन कर लेना है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि टेलीग्राम में जो इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी फाइल्स पहले जो डाउनलोड करने पे पेंडिंग शो करता था या फिर ओपन नहीं होता था, अब जो इस सेटिंग्स के बाद ओपन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ये सारे फाइल्स जो है स्पीड से जो है डाउनलोड भी होते जा रहे हैं, और ये फाइल्स जो ओपन भी हो रहे हैं। आई होप गाइस कि आज की वीडियो में आपको ये डाउनलोड प्रॉब्लम, पेंडिंग प्रॉब्लम, स्ट्रक प्रॉब्लम, फ्रीज प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। आज के लिए दी इजाजत, थैंक यू।